हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। हरियाली तीज आने वाली है और आज मैं आप लोगों से मिक्स एंड मैच बैंगल्स डिजाइन शेयर करने वाली हूँ। तीज, करवा चौथ, कोई भी फेस्टिवल जो कि हम अपने पति के लिए रखते हैं, उसमें बैंगल्स का एक अपना अलग ही महत्व होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रीन बैंगल्स इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हरियाली तीज है और हरियाली तीज को लेके हम महिलाओं के दिमाग में पहले से ही सेट होता है कि हरियाली तीज है तो जो भी कुछ होगा वो हरा ही होगा। मोस्टली जो लोग भी आउटफिट चूज करते हैं या फिर बैंगल्स चूज करते हैं तो ग्रीन कलर का ही करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाख की चूड़ी को और कांच की चूड़ी को मिक्स एंड मैच किया है और इस बैंगल्स को लेके मुझे ऑलरेडी बहुत सारे कम्प्लीमेंट मिल चुके हैं। मैंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था, ब्लॉग भी शेयर किया था, वाकई में बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे इसको मैंने खुद से ही मिक्स एंड मैच कराया है। वैसे अगर आप बैंगल्स की शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, वो लोग खुद से ही मिक्स एंड मैच करके दे देते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है जो कि अल्टीमेट है। आगे और भी बैंगल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकेंड, आप चूड़ा पहन सकती हैं। ये एवरग्रीन है, रेड कलर का चूड़ा है जो कि किसी भी कलर के ड्रेस के साथ, किसी भी आउटफिट के साथ मैच हो जाएगा। मेरे हिसाब से जब कुछ भी समझ में ना आए और किसी भी कलर का ड्रेस हो तो आप चूड़ा वेयर कर सकती हैं। इवन इसको जीन्स के साथ भी पहना जा सकता है। तो सेकेंड ऑप्शन चूड़ा का है, आप हरियाली तीज में चूड़ा भी पहन सकती हैं। नेक्स्ट, मेरे पास ये ब्लू कलर की लाख की लहठी है जो कि मैचिंग ड्रेस के लिए है। अगर आपको तीज में ब्लू आउटफिट पहनना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके आप इसको पहन सकती हैं। और इस बैंगल्स के लिए भी मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिल चुके हैं और इसको भी मैंने खुद से ही मिक्स एंड मैच कराया है और इसको मैंने पिछले साल तीज में पहना था। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, आपके पास ऑप्शन है, आप ग्रीन कलर की प्लेन कांच की चूड़ियाँ पहन सकती हैं। हरियाली तीज के लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैं तो यही बोलूँगी कि हरियाली तीज के लिए इससे बेस्ट और इससे सस्ता ऑप्शन कुछ भी नहीं है। वैसे आप इसको मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्लेन पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए, प्लेन भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसको मैंने मिक्स एंड मैच किया है येलो कलर के बैंगल्स के साथ। अगर आपको ग्रीन आउटफिट पहनना है और उसमें येलो कलर भी है तो आप इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हैं, बहुत सुंदर लुक आएगा। और मैं आप लोगों को एक बार पहन के भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो ये देखिए गाइज, कितना सुंदर लग रहा है, सच में बहुत सुंदर लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, ये लाख का बैंगल है। अगर आप न्यूली ब्राइड हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अगेन, इस तरह के बैंगल्स हर कलर के आउटफिट के साथ चल जाते हैं तो आप इस तरीके से भी सेट तैयार करवा सकती हैं और ऐसा बना बनाया सेट भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट, मेरा ये मोर वाला बैंगल्स है जो कि मेरा फेवरेट है। अगर आपको कम क्वांटिटी रखना है तो आप इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हैं। रेड कलर तो हर कलर के साथ मैच हो जाता है। मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहूँगी, अगर कोई कलर समझ में ना आए तो रेड कलर ले लेना चाहिए। नेक्स्ट, मैंने इस तरीके से मिक्स एंड मैच किया है जो कि देखने में बहुत ही प्रीटी लग रहा है। आजकल जो चूड़ा चला हुआ है ठीक उसी तरीके से ये मिक्स एंड मैच हो गया है, तो आप इस तरीके से भी कर सकती हैं। अगर आपको सिंपल पहनना है तो आप इस तरीके से भी मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। मैचिंग ड्रेस पर आप इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकती हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आपको प्लेन बैंगल्स पहनना है तो आप इस तरीके से भी मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हैं, ये भी अच्छा लगेगा। कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।